नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमने प्रीवियस जो वीडियो डाली थी वो डाली थी LCM SCF में घंटी वाले सवालों की, क्योंकि ये जो टाइप है ना, ये टाइप ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये टाइप ना पूछी जाती हो। प्यारे साथी, अगर हम यहाँ पर बात करें घंटी वाले सवालों की, मैं 21 मिनट की पहले एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें इसका कंप्लीट बेसिक आपको सिखा चुका हूं। यानी कि इस वीडियो में कंप्लीट आपको बेसिक सिखाने की मुझे आवश्यकता नहीं होगी। जिन स्टूडेंट ने अब तक वो वीडियो ना देखा हो, मेरे भाई प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट में LCM SCF में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और वो बेसिक भी मिल जाएगा जो मैंने गजब तरीके से आपको सिखाया था। प्यारे साथी, अगर आप लोग SSC रेलवे, NTPC ग्रुप डी, ALP टेक्नीशियन, JEE या फिर SSC के जितने एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, UP पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, यानी कि भारत की कोई भी परीक्षा हो जिसमें घंटी LCM SCF टॉपिक अगर सिलेबस में है, तो ये मान लीजिए यहाँ से घंटी वाला सवाल आपकी परीक्षा में इंतजार कर रहा है। और हर एक स्टूडेंट का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि सर, घंटी वाले सवाल तो बहुत आसान होते हैं, LCM ले दो आंसर आ जाएगा। मेरे भाई, ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है और यहीं पर वो मात खा जाते हैं। ये छोटा सा टॉपिक लगता तो है, लेकिन जब आप इसके सवालों को करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने लेवल का यहाँ से इसमें पूछा जाता है। तो चलिए, मैं समय बर्बाद कतई नहीं करूँगा और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास के साथ। अपने जहाँ पर मैंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं तो मैं आपको पहला वाला सवाल ये करा चुका था, ये क्वेश्चन हो चुका था, इसका मैंने पूरा का पूरा बेसिक आपको बता रखा है, LCM SCF का मतलब भी बताया था इसमें। इसके बाद सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, और इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मैं कंप्लीट आंसर दे चुका था, इसमें जो आया था 180 सेकंड आया था और यहीं पर मेरी वीडियो लॉक हो गई थी। मेरे भाई, 180 सेकंड में अगर मैं 60 का भाग लगा दूं तो इसका मतलब बनता है ये तीन मिनट, और तीन मिनट हमको क्या लगाना था, इसमें आंसर लगाना था। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए, जो भी था इसका आंसर वो अलग बात है, लेकिन आप लोग यहां से स्टार्ट कीजिए अब इस क्वेश्चन को। तो फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसका बेसिक भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं, वह छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात करे, वह छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात करे या न्यूनतम संख्या के बारे में बात करे, तो आप लोग क्या निकालेंगे, LCM की बात करेंगे। ज्ञात करो जिन्हें 10, 12, 15, 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है। देखिए, यहां से अगर आप लोग इस प्रश्न को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, न्यूनतम संख्या, इस पॉइंट को समझिए, ये क्या लिखा है, आपसे पूछा है न्यूनतम संख्या क्या होगी। इसका मतलब LCM निकालने की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, और LCM किसका, नंबर्स दे रखे हैं 10, 12, 15, 18 और 20, ये आपके नंबर दे रखे हैं। इन नंबरों की क्या निकालना है, आपको LCM निकालना है ताकि सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सके। तो मेरे भाई, मैं इनका LCM लेता हूं तो क्या आएगा, देखिए, दो का सबसे बड़ा फैक्टर, इसमें दो का एक ही होगा, इसमें दो के दो होंगे, इसमें एक होगा, इसमें दो होंगे, यानी कि दो का सबसे बड़ा फैक्टर अगर मैं मल्टीप्लाई में बात करूँ तो 2 × 2 दो बार आएगा, यानी कि 4, इसमें सबसे बड़ा दो का मल्टीपल होगा। इसमें 3 का मल्टीपल सबसे बड़ा क्या होगा, तो 18 में 9 होगा, तो मैं 9 को ही ले लेता हूं, और यहां सिर्फ 5 होगा क्योंकि 5 ही 15 के अंदर होगा और 5 ही 20 के अंदर होगा। आप शॉर्ट में लीजिए, वो तरीके गए बचपन वाले जिनमें आप 2 × 2, 3 × 7 × 8 ऐसे करते थे। मेरे भाई, डायरेक्ट करने का प्रयास कीजिए, 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 का गुणा अगर मैं 9 से करता हूं तो 9 × 2 = 18, ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे भाई, 180 आ जाएगा, और इस सवाल का आंसर भी 180 हो जाएगा। हालांकि ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान था, इसमें करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अगला वाला प्रश्न आपको कहीं ना कहीं आपके लेवल को जाँच करने के लिए महत्वपूर्ण है।
देखिए अगला प्रश्न देखेंगे तो फिफ्थ क्वेश्चन है, 102 मीटर, 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर लंबी चार रस्सियों को समान लंबाई के भागों में काटा जाना है। पहली वाली जो रस्सी है वो मेरे भाई कितनी है, 102 मीटर की है। दूसरी वाली रस्सी 119 मीटर की है। तीसरी वाली जो रस्सी है वो 153 मीटर की है और चौथी वाली जो रस्सी है वो कहीं ना कहीं 204 मीटर की है। तो ये चार रस्सियां हैं जिनकी लंबाई मीटर में दे रखी हैं। आगे क्या बोला है, समान लंबाई के भागों में काटा जाना है, यानी कि जब हम इनको काटेंगे, मान लीजिए सभी की सभी रस्सियों की लंबाई दे रखी है, हमको एक ऐसी लंबाई लेनी है जिससे समान लंबाई की रस्सियां काटी जा सके। प्रत्येक भाग यथासंभव, इस शब्द को मेरे भाई आप लोग समझ जाइएगा, यथासंभव, यथासंभव लंबा होना चाहिए। और इसके बाद का जो शब्द है इसको भी समझिए, यथासंभव लंबा होना चाहिए, यानी कि अधिकतम लंबा होना चाहिए। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जब बात न्यूनतम की होती है, बात किसकी हो प्यारे भाई, न्यूनतम की। आपने बेसिक नहीं समझा तो समझिए, न्यूनतम की हो तो हम एलसीएम की बात करते हैं, और जब बात अधिकतम की हो, किसकी बात हो, अधिकतम की कहीं ना कहीं बात करें, अधिकतम, तो इस केस में हम किसकी बात करते हैं प्यारे भाई, एचसीएफ की बात करते हैं। न्यूनतम के केस में हम एलसीएम की बात करते हैं और अधिकतम के केस में हम किसकी बात करते हैं, एचसीएफ की कहीं ना कहीं बात करते हैं। तो मैं इनके एचसीएफ लेने की कोशिश करता हूं तो एचसीएफ क्या आएगा, ये बात पहला प्रश्न बनता है। प्रश्न को आगे पढ़ने से पहले ही हमको एचसीएफ निकालना है, ये बात क्लियर हो चुकी है मेरे भाई। यहां पर अगर मैं देखूं तो ये 17 के मल्टीपल लग रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, तो ये कहीं ना कहीं 17 से 6 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा प्यारे भाई, 6 बार, 17 सत्ते 119 और 17 नब्बे 153, और ये जो जाएगा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी, तो 17 दाड़े 170 और 17 दूनी 34, यानी कि 17 का गुणा अगर 12 से करूँगा तो कितना बनेगा, 204 बनेगा। कहने का मतलब इतना बन रहा है प्यारे भाई, इतना बात बन रही है कि ये जो भी नंबर्स दे रखे हैं कहीं ना कहीं 17 के मल्टीपल्स दे रखे हैं, 17 के गुणज दे रखे हैं, तो मेरा जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 17 ही हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 17 ही कहीं ना कहीं मेरा एचसीएफ हो जाएगा। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा गया है काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या है। यहीं पर हर एक स्टूडेंट फंस जाता है और आंसर नहीं दे पाता। मैंने आपसे बोला था कि अगला वाला जो प्रश्न मेरा बनेगा वो कहीं ना कहीं लेवल को टच करेगा। प्यारे भाई इस प्रश्न की बात करूं तो ये एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपसे पूछा क्या है, काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या। मुझसे अधिकतम मान पूछा होता तो मैं आंसर अपना 17 दे देता कहीं ना कहीं, अगर अधिकतम मेरे से पूछा गया होता। लेकिन मुझसे पूछा गया है अधिकतम संख्या क्या होगी, क्या पूछा गया है, अधिकतम संख्या क्या होगी, तो प्रत्येक भाग, ऐसा हर एक भाग समान लंबाई का हो तो अधिकतम यथासंभव लंबाई का क्या हो सकता है, 17 मीटर का प्रत्येक भाग हो सकता है। अगर मैं 17 का भाग हर एक डिजिट में भाग लगाऊं जो संख्या दी है तो मुझे पता चलेगा कि टुकड़ों की संख्या निकलेगी, तो क्या निकलेगी, टुकड़ों की संख्या। भाई प्रदीप सर ने कल पानी पिला दिया और ठंडा, ठीक ठंडे पानी से हो गया हमको जुकाम, अभी स्टार्टिंग है, देखते हैं क्या होता है। बाकी यहां पर बात करें तो ये कितना होगा, 6, 7, 9 और 12, यानी कि पहले वाले की बात करें, पहली वाली रस्सी से 6 टुकड़े बनेंगे, दूसरी रस्सी से 7 टुकड़े बनेंगे, तीसरी रस्सी से 9 और चौथी रस्सी से 12। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो कितना बन जाएगा, 6 और 12 बनेगा 18, 18 और 7 बन जाएगा मेरा 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34, तो कहीं ना कहीं 34 मेरा आंसर आना ही चाहिए। अगर मैं ऑप्शन सी की तरफ चलता हूं तो ऑप्शन सी मेरा 34 इसका, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आई, आपसे पूछ रहा था अधिकतम टुकड़ों की संख्या पूछ रहा था। जब भी बात नंबर्स की करेगा तो एचसीएफ का डिवाइड हम नंबर्स
जो हमें गिवन डेटा होता है उस डेटा के अंदर हमको डिवाइड करना होता है। क्लियर है। इसके बाद अगर हमसे अधिकतम ही पूछता, यथासंभव लंबाई होनी चाहिए, वह लंबाई क्या होगी, अगर ऐसा पूछता तो मेरे भाई ये 17 मीटर आपका आंसर हो जाता कहीं ना कहीं। तो जब मैं बात करूँ एसएससी जीडी की, ग्रुप डी की बात करूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करूं, तो प्रश्न मेरा यहीं तक पूछा जाएगा एचसीएफ तक। जब बात थोड़े से लेवल की बात आएगी तो प्रश्न मेरा यहां तक जाएगा और टुकड़ों की संख्या तक प्रश्न पूछ सकता है। तो नंबर्स की बात तभी करेगा जब एग्जाम का थोड़ा सा लेवल होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, बहुत आसान है प्यारे भाई, ये क्वेश्चन भी टफ नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन अपने आप में अपने आप को एक लेवल रखता है, क्योंकि ये भी प्रश्न एक बड़ी परीक्षा का ही प्रश्न है। एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है, वह उन्हें संतरों के ढेरों और सेबों के ढेरों में इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। क्या पूछा है? फिर से पूछा है कि फलों की संख्या अधिकतम हो, यह संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे यह नहीं पूछा है कि कितनी होगी संख्या, यह नहीं पूछा है कि कितनी होगी, आपसे पूछा है फलों की अधिकतम संख्या हो और यह संख्या कहीं ना कहीं आपसे पूछा है कि यह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो समझिए। अगर मैं डेटा की बात करूं तो मेरे को जो संख्याएं दे रखी हैं वो 1092 ये दे रखी हैं सेब और 3432 क्या 3432 ये दे रखी हैं मेरे को कहीं ना कहीं संतरे। एक फल विक्रेता है जो बाजार से 1092 सेब लाता है और 3432 कहीं ना कहीं संतरे लाता है, वह उन्हें संतरों के ढेरों और सेबों के ढेरों में इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो, यह संख्या पूछी है। इसका मतलब यह संख्या किसके लिए आई है? अधिकतम संख्या के लिए आई है। ये यह भी बोल सकता था कि यह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, यहां से इसने अधिकतम शब्द को गायब कर दिया है। प्यारे भाई प्रश्न की लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन की अगर आप लोग लैंग्वेज को नहीं समझेंगे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। अधिकतम शब्द को गायब कर दिया फिर भी आपसे अधिकतम पूछा है, इसका मतलब लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने का प्रयास किया है। बात जब अधिकतम के केस की हो तो आपको क्या निकालना होता है? एचसीएफ। अब एक बात बताइए, यहां मैं अगर संख्याओं को देखूं 1092 और 3432, इनका एचसीएफ निकालूंगा तो कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन की तरफ जाऊंगा, और अगर मैं फैक्टराइजेशन की तरफ जाता हूं तो मेरा प्रश्न कहीं ना कहीं इतना उलझ जाएगा कि समय को खा जाएगा। इसलिए मैं काम करता हूं इसके डिफरेंस की बात करता हूँ। मेरे भाई डिफरेंस लूंगा यहाँ से तो दो में से दो गया तो कितना बचेगा? जीरो बचेगा, तीन, इसको बोल देते हैं 13। 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, और ये 3 13 यानी कि 3 का 3 ही आएगा, और ये 3 में से 1 गया तो 2। कहीं ना कहीं मेरा जो डिफरेंस बनकर आ रहा है, जो मेरा डिफरेंस बनकर आ रहा है भाई, कहीं ना कहीं कितना बन के आ रहा है? 2340 बन के आ रहा है। यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं इसके मल्टीपल की तरफ जाएगा, इसके मल्टीपल की तरफ जाएगा। और मुझे एक बात समझ में आ रही है, 6 और 6 ये हो जाएगा 12। चलिए तो एक एक करके हम लोग इनको चेक करेंगे कि क्या ये सभी संख्याओं से विभाजित हो रहा है। अगर मैं बात करूं 2340 की, तो जो 2340 है मैं इसको 78 से भाग दूं तो कितना? 3 बार, 3 7 21, 3 8 24, और 3 7 21, 21 और 2 23। तो कहीं ना कहीं भाग मेरा जा रहा है, यानी कि आंसर 78 हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा ही, क्योंकि उसने पूछा है अधिकतम संख्या क्या होगी, तो मुझे कहीं ना कहीं आंसर चेक करना था डी से, 312 से। 312 से अगर मैं चेक करता हूं, 312 से चेक करता हूं तो ये कितना बनेगा? 234 और ये 0, यानी कि 2340। इसको अगर मैं भाग करने की कोशिश करूं तो कितनी बार जाएगा? 3 7 21, 3 8 24, 8 बार भाग लगाने की कोशिश करूं तो 8 2 16 और 8 1 8 और 1
9 और ये बनेगा 8 या 24। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं ये इसके तो पास भी नहीं जा रहा है, यानी कि मुझे इतना तो पक्का हो गया कि मेरा डी ऑप्शन इस सवाल का प्रश्न का जवाब नहीं हो सकता। जब कैलकुलेशन हद से ज़्यादा कठिन हो तो आप कहीं ना कहीं ऑप्शन का प्रयोग कीजिए। मेरे भाई हर बार हमको वही नहीं यूज करना होता है जो क्लास 5th से चला आ रहा है। ऑप्शन का प्रयोग आप लोग करिए। अब मैं चेक करता हूँ 156 से, अगर 156 से ये डिविजिबल हो गया तो मेरा काम बन जाएगा। तो 156 का भाग मैं अलग से लगा देता हूँ 2340 में। किसमें? 2340 में। कितनी बार लगा सकता हूँ? तो एक ही बार लगाता हूँ। तो 156 यहाँ बनेगा, 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, और ये 12, 12 में से 5 गया तो मेरे भाई 7 बचेगा, और ये 78 यानी कि 0। अब मैं भाग लगाऊँ 5 बार, अगर इसका मल्टीपल करूँ तो 5 6 30 और ये बनेगा 25, 25 और 3 28, 5 1 5 और 2 7 यानी कि 780। मेरा भाई 15 बार इसका भाग चला गया, किसका? 156 का। तो मुझे पता है कि 2340 का सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन के हिसाब से 156 है। तो 156 ही इस सवाल का राइट आंसर होगा। मेरे भाई ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने पूछा था अधिकतम संख्या का, और 156 अगर बड़ी संख्या है तो 78 तो उससे छोटी संख्या है, तो 78 इसका जवाब नहीं हो सकता है। इस कारण से आंसर इसका 39 भी हो सकता था, लेकिन 39 भी नहीं बनेगा क्योंकि उसने आपसे पूछा था अधिकतम संख्या का, और अधिकतम संख्या का तो इन चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी ही है, डी तो आपका मल्टीपल ही नहीं है, तो बात ही डी की खत्म हो जाती है। क्लियर है? अगर ऑप्शन का प्रयोग करोगे तो आसान तरीके से सवालों को निकल जाओगे आगे की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और ये प्रश्न SSC CGL मेंस में पूछा गया प्रश्न है, और मेरे भाई ये प्रश्न अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है। नॉर्मल छोटे एग्जाम्स में ये प्रश्न नहीं पूछा जाता। मैं बात करूं इस प्रश्न की, यदि मैं इस प्रश्न की बात करूं तो ये प्रश्न आपको ऐसी एग्जाम जैसे ग्रुप डी हुआ या ALP जैसी परीक्षाएं हुई, या फिर अगर हम बात करें UP+ Constable हुआ, ऐसी परीक्षाओं में ये प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा लेवल होगा पेपर का तभी ये देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक माली के पास लगाने के लिए कुछ पौधे थे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आपको लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। एक माली के पास लगाने के लिए कुछ पौधे थे, बात किसकी चल रही है? पौधे की। उसने उन्हें 7 8 9 और 12 की पंक्तियों में लगाने की कोशिश की। मैंने प्रश्न को यहीं तक पढ़ा और डेटा को लिखने की कोशिश की, क्योंकि भाई प्रश्न अगर बड़ा हो जाएगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इस वजह से आप लोग इस डेटा को लिख लीजिए। 7 8 9 और 12 की पंक्तियों में लगाने की कोशिश की, क्लियर है? लेकिन उसके पास हमेशा एक पौधा बचा रहता था। अगर ऐसा प्रयास करता है कि उसने क्या किया, 7 8 9 और 12 की पंक्तियों में अगर पौधों को लगाने की कोशिश की है, तो हर बार उसके पास एक पौधा बचता था। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या होगी, जिसमें अगर इन चारों संख्याओं का हम भाग देते तो रिमाइंडर एक बचता। इस सवाल का कहने का लॉजिक ये है। बात समझ में आई कि नहीं? आगे प्रश्न क्या बोला है, अगर जब उसने लगातार 11 पौधे लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने क्या किया, हर बार 11 पौधे लगाने की कोशिश की, लगातार 11 11 पौधे लगाने की कोशिश की, तो उसके पास एक भी नहीं बचा। माली के पास पौधों की न्यूनतम संख्या क्या है? मेरे भाई बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि जब मैं पौधों को 7 8 9 और 12 के अनुसार लगाता हूं, यानी कि पंक्तियों को 7 के हिसाब से लगाऊं या 8 के हिसाब से लगाऊं या 9 के हिसाब से पौधों को लगाऊं या 12 के हिसाब से पौधों को लगाऊं, तो जब मैं पौधों की पूरी के पूरे जुट्टे को बोल सकते हैं पूरे के पूरे जुट्टे को लगा देता हूं, जितने भी पौधे मेरे पास थे, लेकिन अंत में एक पौधा बचता है। ये जो एक पौधा है, कहीं ना कहीं ये पौधा रिमाइंडर का ही तो काम कर रहा है। भाई प्रश्न थोड़ा कठिन है, ये समझिए, ये कहीं ना कहीं एक पौधे का ही तो काम, एक रिमाइंडर का ही तो काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं 11 11 के हिसाब से पौधों को लगाता हूं,
तो कोई भी किसी भी प्रकार का रिमाइंडर नहीं बचता। मैं चाहूं तो इस प्रश्न को ऑप्शन के हिसाब से चुटकियों में उड़ा सकता हूं, लेकिन मैं आपको इसका पहले बेसिक बताऊंगा कि इस प्रश्न को करेंगे कैसे, फिर उसके बाद ऑप्शन के हिसाब से भी हम इसको निपटाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके बेसिक की तरफ। चलो तो इसको, अरे भाई कहाँ भाग रहा है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ खींच के ले जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा स्पेस मिल सके समझने के लिए। एक मिनट, 7 है ये, क्लियर है। चलिए यही रहने दो। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके नंबर की। नंबर क्या होगा मेरे भाई? अगर मैंने आपको एक टॉपिक बनाया था रिमाइंडर वेस्ट का, याद कीजिए रिमाइंडर वेस्ट जब मैंने प्रश्न कराए थे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो को देखिएगा। रिमाइंडर वेस्ट में ये बात बताई थी कि एलसीएम का के गुणज प्लस जो मेरा रिमाइंडर बचता है वो होता है व्हेन द रिमाइंडर इज सेम। When the remainder is same, जब remainder same हो, शेषफल समान हो, तो LCM का K गुणज प्लस remainder आता है। यानी कि मेरा जो number निकल कर आएगा वो कहीं ना कहीं LCM का K गुणज होगा। मेरे भाई यहाँ से मैं LCM निकालता हूँ इनका, तो कितना आएगा? 7 मेरा ऐसा number है जो कि prime है, वो मुझे लेना पड़ेगा। 2 का सबसे बड़ा factor 8 है, और यहां बात करते हैं 3 का सबसे बड़ा फैक्टर 9 है। 12 की बात करूं तो 12 में 4 आ चुका है, 12 का जो 4 है वो 8 में आ चुका है, और 12 का जो 3 है वो 9 में आ चुका है, तो उसकी आवश्यकता है ही नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनके गुणे करता हूं, 7 गुणे 8 नम्बे 72 हो जाएगा ये, और इसका गुणा करें तो 7 × 2 = 14 और 7 × 7 = 49, 49 × 1 = 50, यानी कि 504 एलसीएम निकल कर आएगा। प्यारे भाई मैं यहां एलसीएम लिखता हूं 504 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना था मेरा 1, रिमाइंडर कितना बच के आ रहा है हर बार 1। कहने का मतलब इतना है, अच्छा के रह गया, के को यहां लगाइए, एक मिनट, यहां देखें तो ये 504 के प्लस 1, के तो मल्टीपल का काम कर रहा है, यानी कि जो भी के होगा उसका 504 में गुणा होगा प्लस 1 कर देंगे, क्लियर है। अब एक बात बताइए, 4 के जो भी गुणज होंगे, चलिए गुणज पे नहीं जाएंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से चलने की कोशिश करता हूं मैं। सबसे पहले अगर मैं 504 में 3 का गुणा करूं तो ये 1512 के करीब बनेगा, 1804 तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन कट गया कि नहीं। 504 में अगर के की जगह 1 रखता हूं तो ये 1 जोड़ूंगा तो 505 बनेगा, 506 मेरा आंसर हो नहीं सकता, यानी कि डी ऑप्शन भी मेरा हट चुका है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, चाहे तो सी होगा चाहे ए होगा, तो कहीं ना कहीं सी की बात करूं तो ये 3000 तक ले जा रहा है। अगर मैं के की वैल्यू 6 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं 6, तो ये कितना हो जाएगा 504 गुणे के की जगह पे 6, तो ये कितना हो जाएगा कहीं ना कहीं 3024 प्लस का 1, और ये बन गया 3025, और मेरा भी 3025 ही ऑप्शन में दे रखा है। तो प्यारे भाई क्यों ना ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब बन गया है, बताइए, ऑप्शन सी ही इस सवाल का जवाब हो गया, तो ए तो हट ही गया। तो यानी कि आपसे पूछी थी न्यूनतम संख्या, तो हम ए को तो चेक करेंगे ही नहीं क्योंकि वो 4631 है, न्यूनतम थोड़ी है, वो तो महत्तम संख्या बन गई इन ऑप्शन में कहीं ना कहीं, तो 3025 ही इस सवाल का सही जवाब हो गया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लॉजिक समझने वाला था, दो टाइप को मिक्स करके प्रश्न बनाया गया है कहीं ना कहीं। अब इसी में अगर मैं बात करता हूं, प्यारे भाई उसने क्या बोला था, मैं इसको ऑप्शन के हिसाब से, भाई ऑप्शन शुरुआत से ही चलता तो क्या मैं इसको टैकल कर पाता? बिल्कुल कर पाता, वो कैसे, उस बात को समझिए। ये तो इसका बेसिक हो गया, मैं इसको खिसका के साइड में पहुंचा देता हूं, और फिर इसको कैसे हम ऑप्शन से ही डायरेक्ट कर सकते थे उस बात की चर्चा करेंगे। देख मेरे भाई, हाँ जी लड्डू गोपाल आ जाओ, देखो कैसे करेंगे। अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं तो इस प्रश्न में एक लाइन बोली गई थी, और वो थी जब उसने लगातार 11 पौधे लगाने की कोशिश की। क्या बोला है? जब 11 पौधे लगाने की कोशिश की तो कोई भी पौधा शेष नहीं बचता है। अगर कोई भी पौधा शेष नहीं बचता है तो इसका मतलब हो गया कि मेरा 11 के केस में रिमाइंडर
जीरो हो जाएगा। और जब 11 के केस में रिमाइंडर जीरो होगा तो मैं हर एक संख्या में अगर 11 का भाग लगाऊं तो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। यहां देखते हैं 11 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये जाएगा 11 चौके 44, बचेगा 2 23, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 ऑप्शन हो सकता है। यहां पर चेक करें तो ये बन जाएगा आपका 11 एकम 11, बचेगा कितना आपका 7, 11 छक्के 66 44, ये भी हो सकता है। अच्छा ये तो होगा ही होगा, और 11 चौके 44, 11 छक्के 66, यानी कि अगर मैं 11 से चेक करने का प्रयास करता हूं तो चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं वैलिड दिख रहे हैं, मेरा 11 से चेक करना बेकार गया, 11 से चेक करना बेकार गया। उसने क्या बोला था, उसने एक लाइन और बोली थी, जब 7 8 9 और 12 की पंक्तियों में लगाने की कोशिश करता हूं तो कोई रिमाइंडर एक रिमाइंडर बचता है। मेरे भाई अगर मैं इन सब में से एक एक घटा दूं तो कितना बनेगा, 4630, 1803, 3024 और 505, क्या यही बनेगा। मैंने अगर आपसे वादा किया है कि ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन से करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। प्यारे भाई अगर मैं 7 8 9 और 12 से भाग लगाता हूं तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर एक ही तो बचता है, मैंने उस रिमाइंडर को हटा ही दिया तो जो संख्याएं बनी हैं वो कंप्लीटली डिविजिबल होंगी कि नहीं, बिल्कुल होंगे। तो मेरे भाई ये सारे के सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं 9 से डिविजिबल होने चाहिए। सबसे पहले मैं 9 से चेक करता हूं क्योंकि ये आसान होता है, 6 और 3 9 बच गया 4, यानी कि आंसर ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बात खत्म। अगला देखते हैं 8 और 1 9 3 बचा है, नहीं हो सकता। 5 और 5 10 ये नहीं हो सकता। और यहाँ बात कर रहे हैं 4 और 2 6 और 3 9, एक सेकंड नहीं लगेगा सवाल को सॉल्व करने में, ऑप्शन सी वही आ गया जो मैं अपने बेसिक से आपको समझाया था, वही मैंने ऑप्शन से समझा दिया। 9 का पहाड़ा लगाना, 9 से डिविजिबल करना सबसे आसान होता है, इस वजह से ही मैंने 9 से चेक किया। आप लोग किसी से भी चेक कर सकते हैं भाई, रिमाइंडर जब बच रहा है तो उस रिमाइंडर को ऑप्शन से हटा दो, एक कम कर दो, एक रिमाइंडर अगर बच रहा है, अब आप कंप्लीटली डिविजिबल करके चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर से, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका आ गया, इसमें कोई भी आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ये होता है सच मायने में प्रश्न की हड्डियों को तोड़ना। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये प्रश्न भी मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी यूपी प्लस कॉन्स्टेबल ऐसी परीक्षाओं में ये सवाल कतई नहीं पूछा जाएगा। अगर आपका पेपर थोड़ा सा भी ठीक ठाक है उस लेवल का प्रश्न ये मैंने रखा है। क्वेश्चन क्या है, 4 सही 1/2 किलो, 6 सही 3/4 किलो और 7 सही 1/5 किलो वजन के केक के 3 टुकड़े क्रमशः समान वजन के, ये बात समझिए, समान वजन के भागों में विभाजित किए जाने हैं। प्रत्येक भाग जितना संभव हो, बस इसी से आंसर आपका बन जाएगा, जितना संभव हो उतना होना चाहिए। यदि प्रत्येक अतिथि को एक ऐसा भाग परोसा जाए तो मेहमानों की अधिकतम संख्या क्या है। मेरे भाई ये पूछा है मेहमानों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। आपसे पूछा क्या है, ये प्रश्न बनता है, दो चीजें इस सवाल के अंदर बनती हैं और उन दोनों चीजों पर आपको गौर करना है। डेटा दे रखा है 4 सही 1/2 किलो, यानी 4 दूनी 8 और 1 9/2। अगला डेटा है 6 4 24 और 3 27/4। इसके बाद अगला डेटा है 7 5 35 और 1 36/5। क्या ये तीन डेटा दे रखे हैं और ये सब किलो में दे रखे हैं, किसमें दे रखे हैं प्यारे भाई, किलो में। सवाल अच्छे लेवल का है, अगर आप लोग टिके रहे तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं इस सवाल का। देखिए आपसे पूछा है अधिकतम संख्या का, जितना संभव हो सके, तो कहीं ना कहीं HCF की बात कर रहा है और मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं कि फ्रैक्शंस के इस रेशियो फ्रैक्शंस के LCM और HCF कैसे निकाल सकते हैं। मेरे भाई इसका मैंने कंप्लीट बेसिक बताया है, वीडियो है चैनल पर डली हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिएगा, फ्रैक्शंस के नाम से, बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस ऐसे करके मैंने डाल रखा है। तो इसमें क्या बताया था मैंने कि HCF अगर फ्रैक्शन का निकालते हैं तो जो न्यूमरेटर होता है हम उसका HCF लेते हैं। न्यूमरेटर क्या क्या है मेरे भाई, तो न्यूमरेटर है 9, 27 और 36।
और जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि जो हर होता है उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो दो चार और पाँच का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। प्यारे भाई अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 9, 27 और 36 के एचसीएफ की, तो सबसे छोटा जो फैक्टर होगा वो 9 ही दिख रहा है, 3 × 3, क्योंकि 27 में भी मौजूद है, 36 में भी मौजूद है। यहाँ पर बात करूँ तो 4 × 5, कहीं ना कहीं मेरा जो एलसीएम है वो 20 बन जाएगा। तो 36/20 आपका इस सवाल का आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर फिर भी ये नहीं है। क्या इसके साथ मजबूरी रही होगी कि ये इस प्रश्न का आंसर नहीं रहा? देखो भाई, ऑप्शन तो ऐसे दे रखे हैं, एक वैलिड नंबर दे रखा है, कहीं ना कहीं एक होल नंबर दे रखा है, एक नेचुरल नंबर टाइप में आंसर दे रखा है, लेकिन हमारा आंसर कहीं ना कहीं रेशनल फॉर्म में आ रहा है, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, तो आंसर तो ये नहीं हो सकता। मेरे भाई आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया ही नहीं इस सवाल की तरफ। ये सवाल था कुछ, आपने समझा कुछ, ये समझिए, ये सवाल एचसीएफ का होता तो मैं इस सवाल को कहीं ना कहीं 2 और 3, दूसरे और तीसरे नंबर पर लेता सिखाने के लिए। ये सवाल एचसीएफ से एक कदम आगे बढ़कर था, वो समझिए। उसने पूछा है प्रत्येक भाग जितना संभव हो उतना होना चाहिए, जितना संभव हो उतना होना चाहिए। उसने बोला है यदि प्रत्येक अतिथि को एक ऐसा भाग परोसा जाए तो मेहमानों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। आपसे मेहमानों की अधिकतम संख्या पूछी है, ना के वजन की अधिकतम संख्या। बात समझिए, क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला था लेवल का प्रश्न है, कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है। आपसे वजनों, जो वजन होना चाहिए अधिकतम वो कितना होना चाहिए, ये नहीं पूछा है। उसने पूछा है आपसे कि मेहमानों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो मेरे भाई ये जो आया है ये वजन का अधिकतम संख्या आई है। क्या निकल कर आई है, वजन की अधिकतम संख्या आई है, और आपसे निकालनी क्या है, मेहमानों की अधिकतम संख्या। क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग था, मुझे पता था कि हर एक स्टूडेंट इसमें फंसने वाला है, इसी वजह से इस प्रश्न को मैंने लिया है। मेहमानों की अधिकतम संख्या, चलिए एक लाइन में लिख देता हूं, मेहमानों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या क्या होगी। मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं मेहमानों की अधिकतम संख्या की, तो ये तो वजन हो गया, प्रत्येक जो मेहमान होगा उसको कितने वजन की आवश्यकता है, 36/20 इस वजन की आवश्यकता कहीं ना कहीं पड़ेगी। चलिए भाई, ये 9 कहां से आ गया, 36 नहीं होगा, 9 होगा इस जगह पे, कितना होगा, 9/20 कितना हो जाएगा मेरे भाई, जो वजन होगा वो 9/20 होगा। अब मेहमानों की अधिकतम संख्या अगर हमको निकालनी है तो ये वाले जो फ्रैक्शंस दे रखे हैं इन फ्रैक्शंस में हमको भाग लगा देना है। क्या करना है, इन फ्रैक्शंस में हमें भाग लगा देना है, क्लियर है कि नहीं। तो जो 9/2 दे रखा है, क्या दे रखा है, 9/2, इसमें भाग लगेगा 9/20 का, क्योंकि एचसीएफ का डिवाइड लगा देते हैं दिए गए डेटा में। ये तो बताया था मैंने 27/ ये कितना दे रखा है, 4, और भाग लगा देंगे 9/20 एचसीएफ का, प्लस ये कितना है 36/5 और भाग लगा देंगे 9/20 डेटा का, जो भी डेटा हमको दे रखा है। कैंसिल आउट करने की कोशिश करें, 9 से 9 गया, 2 से गया 10 बार, तो पहला वाला जो नंबर बन के आएगा वो 10 बनेगा। अगले पे चलते हैं, 9 से जाएगा ये 3 बार और 4 से जाएगा ये 5 बार, 5 × 3 ये 15 बार जाएगा, प्लस ये कितना है, 9 से जाएगा 4 बार और 5 से जाएगा 4 बार, 4 सबसे ऊपर पहुंचेगा, 4 × 16, 16 और 15, 31, 31, 10, 41, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो चुका है। कितना जबरदस्त सवाल है, ये वो सवाल है जो कि घंटी को घंटी से भी अलग कर देते हैं मेरे भाई, घंटी बजा देते हैं आपके एग्जाम में। जब घंटी बजती है ना एग्जाम में, क्योंकि वहां दिखता है आपको 1 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय, 2 घंटे का समय, और उसमें भी अगर ऐसा सवाल घंटी का आ गया तो आपकी घंटी बजना तय है, अगर आपने ऐसे सवालों की प्रैक्टिस
हमारे द्वारा या किसी के भी द्वारा YouTube पर कोई भी टीचर पढ़ाता हो, कहीं भी कोई भी टीचर पढ़ाता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे भाई। अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप घंटी समझ के LCM में ही अगर लटके रह गए तो फिर उसका कुछ भी नहीं होने वाला। और एक सबसे छोटा सा सवाल है लेकिन लैंग्वेज इसकी बहुत बड़ी है, और इस सवाल का आंसर मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख भी देंगे, देने की बात तो बहुत दूर की है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है वो पलक झपकते ही आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके लिए जो भी क्लासेस आपको मिल रही हैं, चाहे रीजनिंग की हों, मैथ्स की हों, हिंदी की हों, साइंस की हों, जो भी क्लासेस आपको मिल रही हैं उन क्लासेस का बेनिफिट उठाइए। और सुबह सुबह नाश्ते में आपको जो सुबह 7 बजे कंप्यूटर का शॉर्ट वीडियो मिल रहा है उसका बेनिफिट जरूर लीजिए। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने रवि सर के द्वारा, कंप्यूटर की जो क्लासेस चल रही हैं उनमें कंप्लीट प्लेलिस्ट हो चुकी है। अब तक 28 शॉर्ट हमने डाल दिए हैं कंप्यूटर क्लासेस के। तो प्यारे भाई अगर आपका कंप्यूटर कठिन है, आपको कंप्यूटर समझ में नहीं आता, तो उन शॉर्ट्स के द्वारा आप लोग अपने कंप्यूटर को मजबूत कर सकते हैं, जिसमें एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल विस्तार से और एक एक मिनट में कंप्लीट आपको नॉलेज दी जा रही है। तो उन शॉर्ट्स को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से। इसकी जो PDF वगैरह है, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, SSC के एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी PDF हम लोग टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।